आदाब नाजरीन, आई एन ई टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने यतीम खाने अनिसुल गुरबा नाम पल्ली का अचानक मायना करते हुए तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने चीफ इंजीनियर से तामीरी कामों में ताखिर की वजूहत मालूम की और फिर बरहमी का इजहार किया। चीफ इंजीनियर ने बताया कि माहदे की अदायगी में ताखिर और डिज़ाइन में तब्दीलियों की वजह से ताखिर हो रही है। रियासती हुकूमत ने इस इमारत की तामीर के लिए अब तक 6 करोड़ रुपये जारी किए, जबकि अनिसुल गुरबा की तामीर के लिए हुकूमत ने 2017 में 20 करोड़ रुपये मुख्तस किए थे और 2019 तक 7 मंजिला इमारत की तामीर का माहदा किया गया था, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद खातरखा रकम मंजूर नहीं की गई, जिसकी वजह से इमारत का काम रुक चुका है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के CEO MA हमीद और चीफ इंजीनियर गणपत रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। आप लोग तो देखे पहले किसी हालत में था, तो CM साहब की मेहनत से जो है CM साहब जो डिसीजन लिए हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है ग्रांट एड से गवर्नमेंट के फंड से जो है हम लोग जो है हमारे CM साहब हमारे अकबर अवेजी साहब असद साहब वगैरह सब मिलके मशवरा करके जो है ना ये बिल्डिंग को जो है जो खंडहर पड़ी हुई थी इसको जो है ना गवर्नमेंट भी जो है ना RMB की भी जो लैंड थी वो भी वफ़ को वफ़ कर दिए, तो वो लैंड और ये सब मिला के हम लोग जो है ना एक फ्लोर 20,000 स्क्वायर फिट का है ये और नीचे कमर्शियल शॉप्स है। इंशाल्लाह शॉप्स को जो है ना ऑक्शन करके हम लोग जिसका रेट बढ़ गया उसको देंगे और हमारे CEO साहब मैं और हमारे RMB के ऑफिसर और हमारे कॉन्ट्रैक्टर सब लोग हमारे बोर्ड के ऑफिसर प्रोजेक्ट ऑफिसर मतीन वगैरह सब हम लोग सब मिलकर जो है यहाँ पर आए पूरा इंस्पेक्शन करने आए और हमारे वैसे भी हमारे CEO साहब हर 10 दिन 15 दिन में इंस्पेक्शन करते AK खान साहब वगैरह सब लोग आते हैं। एक कमेटी है इसकी बाद हफ्ता इंशाल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की हम लोग 2-4 महीने में कंप्लीट होना बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी जो है ना कल बुला के और RMB वालों को बुला के कल जो भी बैलेंस पैसा है इनका वो भी कल हम इमीडिएट चेक दे देंगे 2 करोड़ 65 लाख जो भी है कल वर्कआउट से कल मिल जाएगा इन लोगों को पैसा भी इंशाल्लाह जो है ना ये बिल्डिंग जल्द से जल्द जो है ना बनेंगे और गरीब बच्चे जो रहेंगे यतीम असीर बच्चे जो रहेंगे उन लोगों का हॉस्टल बन रहा। ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग आ रही है, ऑलरेडी 2 सेलर हो गए, ग्राउंड का स्लैब गिर गया, 1st फ्लोर का भी गिर रहा, टोटल 4 स्लैब गिर गए अभी। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके जो यतीम असीर बच्चे हैं पुअर पीपल है उन लोगों के लिए जो है ना जल्द से जल्द जो है हम लोग हॉस्टल एजुकेशन जो है ना अच्छे से अच्छे मास्टर्स को रख के जो है ना उन लोगों को तालीम अच्छी देंगे जैसा बड़े स्कूलों में देते उससे अच्छा हम लोग हमारी कमेटी है इसकी बात होता है इसमें AK खान साहब है हमारे CEO है CEO साहब है मैं हूँ और भी हमारे ऑफिसर्स हैं सब मिलके जो है ना इसको मॉनिटर करेंगे अनिसुल गुरबा को पहले के ऐसा लापरवाही के ऐसा काम नहीं रहेगा। KCR साहब की गवर्नमेंट में हर काम अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी जो है ना 4 चांद लगेंगे इंशाल्लाह ताला एक पूरे इंडिया में एक मिसाल रहेंगी कि यहाँ पर जो है ना इतना अच्छा काम हुआ अनिसुल गुरबा का बल्कि क्योंकि और भी जो थोड़ी RMB की जगह है वो भी KCR साहब लेटर भी साइन कर दिया वो भी जगह हम बाजू की भी हम वो भी ले ले रहे हैं। अच्छा चेयरमैन साहब एक सवाल था, आप 2 करोड़ 70 लाख जो भी बिल्डिंग जो है ना 20 करोड़ रुपए लग रहे हैं बिल्डिंग को 20 से 21 करोड़ रुपए लग रहे हैं मगर जिसमें 6 करोड़ ऑलरेडी दे दिए और जितना काम हो रहा उसके साथ हम पैसे देते जा रहे हैं। अभी 2 करोड़ चिल्लर कुछ बैलेंस बिल दिए ना वो कल सुबह में वो भी चेक दे देंगे हम इसको वार फुटिंग पे करना है ये डिले होगा ये इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द 5 स्टार टाइप में बिल्डिंग बन रही है और जो गरीब बच्चों के लिए जो सोचे हैं हम लोग आपको नहीं लगता थोड़ा स्लो हो रहा काम क्या वार फुटिंग पे काम होना डे और नाइट कल हम कल बुला के हम और CEO साहब मीटिंग लेके कल इनको चक देंगे सर ऑलरेडी नहीं नहीं भाई वो देख लेंगे एग्रीमेंट क्या है सर ऑलरेडी अनिसुल गुरबा के बच्चे टिमरीज में पढ़ रहे हैं वहीं पे रहना खाना तो फिर अब ये क्या नए बच्चों को लेंगे या वही बच्चों को नहीं 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 अनिसुल गुरबा के बच्चे टिमरीज भी जो है गवर्नमेंट का ही है KCR साहब भी उसको फंडिंग कर रहे हैं KCR साहब की गवर्नमेंट में है वो भी टिमरीज स्कूल भी जो है और ये भी जो है ना KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है ना इसको अच्छे से अच्छा ग्रांटी रेट से जो है ना फंड लेकर के हम लोग चलाएंगे इसको अल्लाह के करम से जो है ना यहाँ पर तालीम अच्छे से अच्छे टीचर्स को रखेंगे और गरीब बच्चों को जो है ना गरीबी के हिसाब में नहीं पढ़ाएंगे जो जैसे बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से हम हॉस्टल भी मेंटेन करेंगे एजुकेशन भी वैसा देंगे ऑलरेडी वहाँ पर है ना हॉस्टल भी है स्कूल भी है तो यहाँ पर क्या यहाँ पर भी यतीमखाना रहेगा या यतीमखाना का नाम रहेगा मगर अनिसुल गुरबा बोल के नाम रहेगा मगर एजुकेशन अच्छे से अच्छा देंगे हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट कमेटी है इसकी बात हफ्ता इंशाल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की हम लोग 2-4 महीने में
कंप्लीट होना, बल्कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी जो है ना कल बुला के और आरएमबी वालों को बुला के कल जो भी बैलेंस पैसा है इनका वो भी कल हम इमीडिएट चेक दे देंगे। 2,65,00,000 जो भी है कल वर्क बोर्ड से कल मिल जाएगा इन लोगों को पैसा भी। इंशाल्लाह जो है ना ये बिल्डिंग जल्द से जल्द जो है ना बनेंगी और गरीब बच्चे जो रहेंगे, यतीम असीर बच्चे जो रहेंगे उन लोगों का हॉस्टल बन रहा। ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग आ रही है, ऑलरेडी 2 सेलर हो गए, ग्राउंड का स्लैब गिर गया, 1st फ्लोर का भी गिर रहा, टोटल 4 स्लैब गिर गए भी। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके जो यतीम असीर बच्चे हैं, पुअर पीपल है, उन लोगों के लिए जो है ना जल्द से जल्द जो है हम लोग हॉस्टल एजुकेशन जो है ना अच्छे से अच्छे मास्टर्स को रख के जो है ना उन लोगों को तालीम अच्छी देंगे, जैसा बड़े स्कूलों में देते उससे अच्छा हम लोग हमारी कमेटी है इसकी बात आफ्ता, इसमें AK खान साहब है, हमारे CEO साहब है, मैं हूँ और भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सब मिलके जो है ना इसको मॉनिटर करेंगे। अनिसुल गुरबा को पहले के ऐसा लापरवाही के ऐसा काम नहीं रहेगा, KCR साहब की गवर्नमेंट में हर काम अच्छा हो रहा है। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी जो है ना 4 चांद लगेंगे, इंशाल्लाह ताला एक पूरे इंडिया में एक मिसाल रहेंगी कि यहाँ पर जो है ना इतना अच्छा काम हुआ अनिसुल गुरबा का बोल के, क्योंकि और भी जो थोड़ी आरएमबी की जगह है वो भी KCR साहब लेटर भी साइन कर दिए, वो भी जगह हम बाजू की भी हम वो भी ले ले रहे हैं। चेयरमैन साहब एक सवाल था, 2 करोड़ बिल्डिंग जो है ना 20 करोड़ रुपए लग रहे हैं, बिल्डिंग को 20 से 21 करोड़ रुपए लग रहे हैं, मगर जिसमें 6 करोड़ ऑलरेडी दे दिए और जितना काम हो रहा है उसके साथ हम पैसे देते जा रहे हैं। अभी 2 करोड़ चिल्लर कुछ बैलेंस बिल दिए हो ना वो कल सुबह में वो भी चेक दे देंगे हम, इसको वार फुटिंग पे करना है, ये बहुत डिले होगा, ये इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द 5 स्टार टाइप में बिल्डिंग बन रही है और जो गरीब बच्चों के लिए जो सोचे हैं हम लोग, आपको नहीं लगता मगर अभी हम वही कॉन्ट्रैक्टर को वही बात करें, आरएमबी वालों को भी बात करें, या वार फुटिंग पे काम होना डे और नाइट, कल हम कल बुला के हम और CEO साहब मीटिंग लेके कल इनको चक देंगे। नहीं, अनिसुल गुरबा के बच्चे टिमरीज भी जो है गवर्नमेंट का ही है, KCR साहब भी उसको फंडिंग कर रहे हैं, KCR साहब की गवर्नमेंट में है वो भी, टिमरीज स्कूल भी जो है और ये भी जो है ना KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है ना इसको अच्छे से अच्छा गारंटी रेट से जो है ना फंड ये करके हम लोग चलाएंगे इसको। अल्लाह के करम से जो है ना यहाँ पर तालीम अच्छे से अच्छे टीचर्स को रखेंगे और गरीब बच्चों को जो है ना गरीबी के हिसाब में नहीं पढ़ाएंगे, जो जैसे बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से हम हॉस्टल भी मेंटेन करेंगे, एजुकेशन भी वैसा देंगे हम लोग। हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, तो यतीम खाना रहेगा या यतीम खाने का नाम रहेगा मगर अनिसुल गुरबा बोल के नाम रहेगा, मगर एजुकेशन अच्छे से अच्छा देंगे हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट, यानी जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहेंगे वो बच्चे, हाँ वो बच्चे पढ़ेंगे। चलिए। भगवान देवी हॉस्पिटल डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट, 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ, हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, ऑपरेशंस फैसिलिटी एंड फार्मेसी। जूही क्लिनिक, 3rd फ्लोर अबव रिलायंस ट्रेंड्स बिसाइड डी मार्ट, टोली चौकी, शेखपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।